नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 17 मार्च 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा, 1 जून को होगी वोटिंग। केंद्रीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हिमाचल में लोकसभा चुनाव 7वें चरण में होगी और 1 जून को वोटिंग होगी। वहीं राज्य में लोकसभा की 4 सीटों के साथ साथ 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होंगे। ये उपचुनाव धर्मशाला, लाहौल स्पीति, गगरेट, सुजानपुर, बरसरो और कोटलैंड विधानसभा सीट के लिए करवाए जाएंगे। इसकी घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ की है। बता दें कि इन 6 सीटों पर हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विधायक सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त, लखन पार्वत, देवेंद्र भुट्टो को अयोग्य घोषित किया है। इन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके बाद इन्हें विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया। इसलिए अब इनके क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहा है। हिमाचल में कॉटन कैंडी के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर लगी रोक। हिमाचल प्रदेश में जन स्वास्थ्य के मद्देनजर कॉटन कैंडी के विनिर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर 1 साल तक के लिए यानी 15 मार्च 2025 तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने घोषित किया फाइनल रिजल्ट, HRDC को मिले 357 कंडक्टर। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परिवहन विभाग के अंतर्गत HRDC में कंडक्टर के पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मेरिट सूची में 357 उम्मीदवारों के नाम शामिल है और इन उम्मीदवारों के नाम नियुक्ति के लिए प्रदेश सरकार के समक्ष प्रेषित कर दिए गए हैं। हालांकि लोक सेवा आयोग ने HRDC में कंडक्टर के 360 पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की थी, लेकिन आरक्षित वर्ग SEOP HP WFF के 3 पदों पर योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण इन पदों को भरा नहीं जा सका। 6 आयोग के घोषित कांग्रेस विधायकों सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त, लखन पाल, देवेंद्र कुमार भुट्टो और चैतन्य शर्मा की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को है, जिस पर सबकी नजरें है। एक ओर जहां इन 6 क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव घोषित किए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ आयोग के घोषित विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने व्हिप जारी करने के बावजूद वित्त विधेयक पारित करते वक्त सदन में उपस्थित न होने पर इन विधायकों पर कार्यवाही की थी। बहुमत के लिए उपचुनाव में भाजपा को सभी 6 सीटों पर जीतने की जरूरत होगी, केवल तभी संख्या बल 31 हो पाएगा, क्योंकि वर्तमान में भाजपा के विधायक 25 और 3 निर्दलीय विधायक भी भाजपा का साथ देंगे तो भाजपा के पास 34 विधायक हो जाएंगे। ऐसे में विधानसभा में कांग्रेस के विधायक बेशक 34 हो गए, मगर विधानसभा अध्यक्ष का वोट केवल टाई होने की स्थिति में गिने जाने पर कांग्रेस विधायकों का संख्या बल 33 रह जाएगा। वहीं कांग्रेस 6 में से 1 सीट भी जीती है तो इसका संख्या बल 35 हो जाएगा और ये बहुमत में ही रहेगी। ऐसे में उपचुनाव में कांग्रेस के बजाय भाजपा पर ज्यादा सीटें जीतने की चुनौती रहेगी। उपचुनाव घोषित होते ही बागियों का बड़ा हमला, 9 असंतुष्ट नेता CM पर करेंगे मानहानि का दावा। हिमाचल में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होते ही 6 असंतुष्ट नेताओं और 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार पर नया हमला किया है। जारी संयुक्त बयान में इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आए दिन उन पर जो आरोप लगा रहे हैं वे उन्हें अदालत में साबित करने होंगे। सभी 9 नेता अब उनके खिलाफ मानहानि का दावा करने जा रहे हैं। इन नेताओं में राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त, लखन पाल, रवि ठाकुर, देवेंद्र भुट्टो, चैतन्य शर्मा, होशियार सिंह, आशीष शर्मा और KL ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में बहुमत खोकर CM बौखला गया और उन्हें इस बात का डर है कि सत्ता के हाथ से जाते उनकी सरकार द्वारा जनता से की गई दगाबाजी और उनके मित्रों द्वारा किए गए काले कारनामे भी सामने आ जाएंगे। टायर माइलेज में HRDC पर्वतीय राज्यों में अव्वल, दिल्ली में मिला सम्मान। HRDC को टायर माइलेज के लिए पर्वतीय राज्यों में पहला स्थान हासिल हुआ है। राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ की ओर से नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान HRDC के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर, महाप्रबंधक तकनीकी संदीप दीवान और उपमंडलीय प्रबंधक देवासेन नेगी ने सम्मान प्राप्त किया है।
इसके अलावा वाहन उपयोगता और कर्मचारी अनुपात में एचआरडीसी दूसरे स्थान पर आया है। पहला स्थान उत्तराखंड परिवहन निगम ने प्राप्त किया है। शिमला संसदीय सीट पर करीब 13,32,299 मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसमें जिला शिमला, सिरमौर और सोलन के मतदाता शामिल है। जिला निर्वाचन अधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लग गई है। निर्वाचन अधिकारी अनुपम कश्यप ने बताया कि चुनाव को लेकर जिले में धारा 144 लागू रहेगी। उन्होंने चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गोला बारूद और शस्त्रों को संबंधित पुलिस थानों में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि शिमला लोकसभा चुनाव क्षेत्र में 13,32,299 मतदाता है। इसके अलावा शिमला में 902, सोलन में 592 और सिरमौर में 599 पोलिंग स्टेशन है। लोग चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत टोल फ्री नंबर 1950 पर कर सकते हैं। उन्होंने जिला वासियों से अपील की है कि चुनाव के मद्देनजर सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक पोस्ट शेयर न करने की हिदायत दी है। हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ होते ही मैदानी इलाके और तपना शुरू हो गया है। शनिवार को ऊना में इस सीजन में अधिकतम तापमान पहली बार 30 डिग्री पार हुआ है। चाटक धूप खिलने से पहाड़ों में भी पसीने छूटने लगे है। शिमला का पारा भी शनिवार को 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। 18 और 19 मार्च को प्रदेश के उच्च क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, शिमला, मंडी के क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार है। मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 20 मार्च तक मौसम साफ बना रहेगा। 21 और 22 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में दोबारा बदलाव आने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में शनिवार शाम तक दो नेशनल हाईवे मनाली ले और आनी कुल्लू सहित 270 सड़कों पर आवाजाही ठप रही। 518.90 करोड़ से चकाचक होगी सामदो काजा ग्राफ सड़क, केंद्र ने दी स्वीकृति। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के सामदो काजा और ग्राफ सड़क पैकेज 4 के लिए केंद्र सरकार ने 518.90 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर सूचना दी है। ये मार्ग मनाली और हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग को आपस में जोड़ता है। सड़क की स्थिति सुधरने से पर्यटन को भी रफ्तार मिलेगी। केंद्र सरकार ने सामरिक महत्व के 209 किलोमीटर लंबे समदो काजा ग्राफू सड़क मार्ग को स्तरोन्नत करने का फैसला लिया है। हार्ड शोल्डर के साथ इंटरमीडिएट लेन में सुधार के लिए बजट को स्वीकृति दी गई है। प्रतिभा सिंह बोली, कांग्रेस पूरी तरह से तैयार, चारों सीटों पर दर्ज करेगी जीत। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस प्रदेश की चारों सीटों पर शानदार जीत दर्ज करेगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रतिभा सिंह ने उम्मीद जाहिर की है कि चुनाव आयोग देश में निष्पक्ष चुनाव करवाने व अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए बिना किसी भय व दबाव के निर्भीक मतदान करवाएगा। पुलिस ने अंतर्राज्यीय पशु चोर गिरोह का किया भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार, देसी कट्टा रोंद भी बरामद। हिमाचल प्रदेश की सिरमौर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लग गई है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय पशु चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए हरियाणा निवासी दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए गए देसी कट्टा, 5 रोंद व टेम्पो भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी पिछले करीब 10 सालों से देसी कट्टा रखे हुए थे। आरोपियों की आयु 30 साल से अभी कम है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पहले भी यहां 3 बार कालाम पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत रात को पशु चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इसे लेकर मामले भी दर्ज किए गए हैं। खबर हमीरपुर से, सजा याफ्ता कैदी ने जेल में लगाया फंदा, गुस्साए परिजनों व ग्रामीणों ने किया जेल का घेराव। हमीरपुर के दो सर्कल स्थित सब जेल में फोक्सो एक्ट 306 के तहत ट्रायल बेस पर सजा काट रहे दीप चंद उमर 38 पुत्र मदन लाल निवासी गांव पथलियार तहसील वर्ष जिला हमीरपुर ने शनिवार सुबह करीब 4 बजे खुदकुशी कर ली। दीप चंद सब जेल हमीरपुर में इसी वर्ष 24 फरवरी को सजा काटने आया था। उसने कंबल की पट्टी को काट कर उससे फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली। खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड से, प्राइवेट स्कूल में बने परीक्षा केंद्र में पकड़े नकल के 13 मामले। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में नकल के मामले नियमित रूप से सामने आ रहे हैं। इंस्पेक्शन विंग की टीम ने शनिवार को एक ही सेंटर में नकल के 13 केस बनाए हैं। ये सेंटर प्राइवेट स्कूल में बनाया गया है। नकल के आरोपी विद्यार्थियों में 7 लड़कियां शामिल है। शनिवार को 10वीं कक्षा में विद्यार्थियों ने
अंग्रेजी व बारहवीं कक्षा में विद्यार्थियों ने हिंदी व उर्दू की परीक्षा दी। इंस्पेक्शन विंग की टीम ने शनिवार को दो परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया जिनमें एक सरकारी व एक प्राइवेट स्कूल में बना था। तलाशी लेने पर करीब 13 परीक्षार्थियों से नकल की सामग्री बरामद की गई। उपनिदेशक निरीक्षण विंग प्रकाश चंद गुलेरिया ने इसकी पुष्टि की है। आशीष बागी विधायक चैतन्य के पिता की अंतरिम जमानत 1 अप्रैल तक बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बागी विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा और निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा की अंतरिम जमानत 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इन दोनों के खिलाफ राज्यसभा चुनाव के दौरान बड़े स्तर पर पैसों के लेन देन और साजिश रचने का आरोप लगा है। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश रंजन शर्मा ने की। आरोपियों के वकील ने अदालत को बताया कि राकेश शर्मा और आशीष शर्मा की तबीयत ठीक नहीं है जिसके चलते वे 15 मार्च को बालूगंज थाने में पेश नहीं हो सके। सरकार की तरफ से दलील दी गई कि आरोपी पुलिस की कार्यवाही में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बावजूद तो दोनों आरोपी 15 मार्च को बालूगंज थाना में पेश नहीं हुए। इन दोनों आरोपियों ने प्रदेश सरकार को गिराने के लिए सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचा, बड़े स्तर पर पैसों का लेन देन हुआ है जिसके चलते आरोपियों को जमानत ना दी जाए दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों को पुलिस की कार्यवाही में सहयोग करने के निर्देश जारी किए हैं। सहयोग ना करने की सूरत में इन दोनों की अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी।